हिंदुस्तान की राजनीति में ईमानदारी के प्रतीक आपके नेता आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, जिलाध्यक्ष जी, हमारे भाई सीताराम जी, सुरेश जी, मंडल अध्यक्ष जी, अब समय बहुत कम है क्योंकि सब नाम लूंगा तो आगे गांव रह जाएंगे, इसलिए आदरणीय मंच, अरे जो आपने मांगा वो हमने दिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मेरी बहनों, तुमने जो लाड़ आज दिया है, गेहूं की बोरी लेके बहन मेरे पास पहले आई और कहा भैया ये गेहूं तुम्हारे चुनाव के खर्चे के लिए दे रहे हैं। मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूं, ऐसा प्यार किस भाई को मिलता है जो बहना मिले। करण सिंह जी, गेहूं की बोरी यहीं रखेंगे और चुनाव जीतने के बाद यह कन्या भोज होगा जिसमें मैं भी आऊंगा। मेरी बहने अपने पल्ले से पैसा निकाल निकाल कर मुझे दे रही है, भैया ये 10 रुपया तुम्हारे चुनाव के प्रचार के लिए। आमतौर पर कोई नेता चुनाव लड़ता तो उससे पैसा मांगते, लेकिन मैं कैसा भाग्यशाली भाई हूं जिसके लिए बहने अपनी मेहनत की कमाई से पैसा इकट्ठा करके चुनाव लड़ने के लिए। तुम्हारा भाई ये वचन देता है तुम्हें कि जब तक मेरी सांस चलेगी मैं तुम्हारी सेवा करता रहूंगा, तुम्हारी भलाई और कल्याण के लिए। समय कम है, गांव बहुत है, मेरे लिए जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। अगर जीवित जाकर देवता की पूजा कर ली तो भगवान की पूजा हो गई, और बहनें मेरे लिए साक्षात देवी की मूर्तियां हैं और बेटियां मेरी साक्षात देवियां हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, भगवान से कुछ ना कुछ मांगते ही नहीं अपन। कोई कहता धन दे दो, कोई कहता विद्या दे दो, कोई कहता पद दे दो, कोई कहता बुद्धि दे दो, और ये भी नहीं चाहिए तो कोई कोई कहता स्वर्ग में भेज देना मरने के बाद, कोई मुक्ति चाहता। लेकिन मुझे धन विद्या बुद्धि बल कुछ नहीं चाहिए, मेरे भाई और बहनों मुझे स्वर्ग में भी नहीं जाना, मैं स्वर्ग में जाके क्या करूंगा। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्त होकर क्या करूंगा। जब तक करोड़ों करोड़ आत्माएं दुखी है मैं स्वर्ग में भी नहीं जाऊंगा, मैं मुक्ति भी नहीं पाऊंगा। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा मरने के बाद इसी जनता के बीच पैदा कर देना, ताकि मैं बार बार इसकी सेवा कर सकूं। मैंने तुम्हारे दुख बचपन से देखे थे मेरी बहन, बेटियों के साथ भेदभाव होता और तब मेरी आत्मा रोती थी कि बेटा बेटी में भेद क्यों। और जैसे ही मुझे मौका मिला लाडली लक्ष्मी योजना बना के बेटियों को लखपति बनाने का काम आपके आशीर्वाद से, चुनाव बहने लड़े इसका इंतजाम किया। जब मजदूर बहने खेतों में काम करती थी और बेटा बेटी को जन्म देने के 2-2 दिन पहले तक मजदूरी करती थी तब भी आत्मा रोती थी, भगवान वो दिन कब आएगा जब बेटा बेटी को जन्म देने के पहले और बाद में उस बहन को भी काम आराम करने का मौका मिले। इसलिए संबल योजना बना के तय किया 4,000 रुपए जन्म के पहले और 12,000 जन्म के बाद गरीब बहन को देंगे ताकि घर बैठ के आराम भी कर ले। और मेरी बहनों एक इतिहास बना, मन में बिचारा है कि कोई बहन हाथ वालों फैल गए, 1,500 रुपया के हाथ फैल गए। कई बार पति भी कहते जब देखो मांगती रहती नहीं है, तब तुम्हारे भाई के मन में ये ख्याल आया कि हर एक बहन का एक बैंक में खाता हो और हर महीने अगर उसमें पैसा आ जाए तो बहनों को हाथ पसारने की फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती।
और इसलिए बन गई लाडली बहना योजना। और अब सुनना बहना, आगे रुकना नहीं है, अब दिल में है लाडली बहना के बाद लखपति बहना, लखपति दीदी। आप बताओ गरीब रहना चाहिए क्या? बोलो जोर से बोलो, गरीब रहना चाहिए क्या? नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंसू, हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्व सहायता समूह के माध्यम से ये तुम्हारा भाई 5 साल इसी में लगा देगा, हर बहन लखपति मतलब साल में 1,00,000 रुपया। किसान भाइयों, करेंसी की खरीद का काम आपके लिए कभी कांग्रेस ने किया गया? 18% का 0% ब्याज हमने किया। 6,000 पीएम साहब ने दिए तो मेरे दिल ने भी कहा मत चूके जुहान से, तू भी 12,000 तो हो जाए, काम कराएंगे तो यही आधी रात हो जाएगी, गांव बहुत है। और भांजे भांजियों, तुम्हारे मामा ने मुख्यमंत्री रहते हुए साइकिल, लैपटॉप, स्कूटी और अगर कॉलेज में पढ़ने जाए तो फीस भरवाने की व्यवस्था भी की ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। आज मैं आपसे कहने आया हूं, मैं आज नेता और आप जनता नहीं है, ये अपना एक परिवार है। परिवार बताओ परिवार है कि नहीं? बहनों बताओ परिवार है कि नहीं? मैं नेता लगता हूं कि भैया? जोर से बताओ नेता की भैया। और भांजे भांजियों का अपना तो परिवार है, और भैया और मामा की तरह जीवन भर आपकी सेवा करना है। आप बताओ मुख्यमंत्री रहते मैंने कैसा काम किया? जोर से बताओ कैसा किया? अब सांसद रहते हुए भी अच्छा काम करूंगा। करण सिंह जी यहाँ से सौगातें लेके आएंगे, करण सिंह जी यहाँ से सौगात आएंगे, मैं दिल्ली से ले लेके आऊंगा, चिंता मत करना, दिल्ली से ले लेके आऊंगा। और इसलिए आज आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूँ कि चुनाव में आपको मामई को जिताना है। बोलो मामई को जिताओगे? और देखो कांग्रेस और भाजपा में कांग्रेस अब कुछ नहीं दे सकती है, कांग्रेस तो खत्म हो रही है, उसके उम्मीदवार ही भाजपा में आ रहे हैं, उसके उम्मीदवार ही भाजपा में आ रहे हैं। कांग्रेस को भला कर सकती है क्या? कभी नहीं। भला करी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। नरेंद्र मोदी जी भारत को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, जनता के कल्याण में लगे हैं, तो उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। और बाकी काम सारे मैं लागू करूंगा आपकी सेवा के लिए। मेरी बहनों और भाइयों, आप सबको मुझ पर विश्वास है, तो आज ये बताओ भाई को जिता तो रहे हो, जीत रहे कि नहीं भैया? लेकिन ऐसे जिताओ कि पूरी दुनिया देखे के सेवनिया वाले कैसा जिताते, सब की तरफ हो जाए। जो बचे हो कांग्रेसी भाई बहन उनसे भी कहता जाओ भाई क्या करोगे, अब तो भैया आ गए अपने पास, सब आ गए, नहीं है उनको और ले लो, और एक ही तरफ वोटिंग हो जाए, ठीक है? अच्छा कितने परसेंट वोटिंग कराओगे? कितने परसेंट? अरे 100 वोट है तो 100 डालवा। बहनों घाम में घबराओगी तो नहीं? सपोर्ट डालने जाओगी? अब देखो चुनाव में कितने दिन बचे, आज 1 तारीख होगी, 7 को वोट डालना है, अब 6 दिन बचे। फसल तो कट गई, खेती का काम निपट गया, शादी ब्याह हो गए, तो बहनों अब घर कह दो साहब से रोटी पानी का इंतजाम कर लेना, भैया चुनाव लड़ रहा मैं तो प्रचार करने चलूं। भाई आप भी 5-6 दिन दे दो यार, सब मैं अकेला काहे को प्रचार करूं, घर घर जाओ, जो नहीं समझे उसको भी समझाओ और एक एक वोट डलवाओ, और आप जीत का रिकॉर्ड बनाओ, मैं विकास का रिकॉर्ड बनाऊं। बोलो सब तैयार है? आज सेवनिया संकल्प लेगा, एक एक वोट मामा को भैया को बीजेपी को जाएगी, और ऐसा जिताएंगे कि पूरी दुनिया में चर्चा हो। तैयार हो? दोनों हाथों पर दोनों मुट्ठी बांधो और भारत माता की जय।
बोल के भैया को भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प है। भारत माता की जय।